एक छोटा बच्चा डायलॉग मार रहा है कि जिथे बंदा मार के कसूर पुछदे है ना, वो चीज़ कमेंट्स दे विच भी इन्नी पॉजिटिविटी दे नाल बार 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 मैनशन की गई है। बाबा जी तुहाडे लाइव शो की भी गल जो उत्थे जोड़नी चाहिए या तुहाडी एक बेबाकी जिहड़ा अंदाज है तुहाडा उहदी भी जोड़नी चाहिए। तो ये डायलॉग जदों उस वेले बोलिया गया सी उदो किस तरीके दे नाल तुसी इस चीज़ नूं लिया सी? मैं सच दसा टू बी ऑनेस्ट मैं भी ट्रेलर च ही देखा, क्योंकि फिल्म दा इदां हुंदा कि फिल्म एक आर्टिस्ट कल्ले दी नहीं होंदी, फिल्म बहुत सारे करैक्टर दी होंदी। सो मैं जिद्दां दस्सिया कि जिद्दां मेरा काम हुंदा सी मेरा हुंदा सी, नहीं तां मेरी छुट्टी हुंदी सी क्योंकि मल्टी आर्टिस्ट फिल्म आ। तो मैं भी वो ट्रेलर दे विच ही देखा कि वह बच्चा बड़ा सोहना उस्ताद ते है ना, तो इत्थे कोई शक नहीं, जिद्दां आपां नूं पता है कि सिद्धू दी पॉपुलैरिटी बहुत सी, उहदे गाने बहुत बच्चे तो लैके सीनियर तक सीगे, पर घटना दे नाल उहनूं जोड़न दा जोड़ नहीं सकदे आपां कि वह सिद्धू नूं उहदे च, क्योंकि उहदे जींदे जी वह फिल्म 2020 दी बणी आ, 2020 जी फिल्म दा शूट कंप्लीट हो गया सी, बस उहदे नाल माहौल ही इदां दा क्रिएट हो गया कि वह बेचारा दुनिया तो चला गया। तो हुण हर बंदे नूं इदां लगता कि शायद उहदी पब्लिसिटी लई, बस ऐ सच कुछ नहीं आ। बथेरे गाने यूज़ किए जाते हैं, बड़ियां गल्लां कई बार यूज़ कीतियां जांदियां, मोदी दा डायलॉग भी विच है, मोदी जी दा भी हैगा आ, बहुत सारियां फिल्मां दे विच। एक साडी पिछली एक फिल्म कोई फिल्म सी उहदे विच सीगा वी किसी ने डायलॉग से गिदड़ा सुने ग्रोफर का कहें शेर मारना, सो एक एक लाइन विचों कई बार ले ली जाती है कि जी सीन के नाल ढुकती हो करैक्टर न, क्योंकि वो इदा है कि वो जो करैक्टर आ मुंडे गुरबाज का वो पिंड च आशकी कर आता कि वो बच्चा ये कह रहा भी ये उन्होंने डरा रहा भी तेनों पता नहीं ये वो पिंड आ जिथे बंदा पता भी नहीं लगता तो तू दोबारा आई ना, सो उहदे नाल लाइन रिलेट करती सी, सो वो तां करके उहदे नाल कीता जी। बट आई एम श्योर कि जिन्ना ट्रेलर नूं देख के लोग खुश हो रहे ने अज सारे उस डायलॉग नूं खासा सुन के होर भी ज़्यादा खुश होणगे कि किसी चीज़ नूं डर उस टाइम पर तो नहीं पर अज एक ट्रिप उहनूं हमेशा याद रख। वो एक बड़ा वड्डा आर्टिस्ट सीगा, वो जिद्दां कहिंदे ना कि शायद उहनूं भी नहीं सी पता वो किड्डा वड्डा आर्टिस्ट सी जी। कई बार आर्टिस्ट आप नहीं अपनी कैपेबिलिटी पता होंगी कि आर्टिस्ट कितना बड़ा है, और जदों तुहानू लोग दसदे आ सो आप देख रहे हैं कि वह कितों तक पहुँचा हुआ सीगा। बिलबोर्ड एक मैं लगता कि एक लास्ट तुसीं कह सकते हैं कि स्टेज आ तर जिते जिते तुसीं कह दो भी बल्ले बल्ले सो उत्थे पहुँच उस तों अगे कित्थे जाणा होणा ना, सो वह मैं लगता उत्ते उहदे लई आम गल सी। सो अज की डेट च हुण देखो हर बंदे दा एक दुख प्रगटाउण दा हर बंदा कोशिश कर रहा कि वह साबित करे कि उहदे किन्ना क्लोज सी, भावें वह आर्टिस्ट आ भावें उहदा कोई सका संबंधी आ, पर उहनूं मुहब्बत करदे सी सारे, ठीक आ जांदे जी हर बंदे दे मन मुटाव हुंदे आ, पर कभी कोई ये नहीं सोचूगा भी कोई बंदा किसी 100 साल के बंदे बारे भी ये सोचे भी ये मर जाए जां ये चला जाए, ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होंदा। साडे घरां दे विच जे कोई बुजुर्ग 100 साल का हो जाए असीं तां वी नहीं सोचदे, तां वी असीं सोचदे हां भी यार होर जीवे, तो भावें असीं बोलीए ना बोलीए आर्टिस्ट भावें एक दूजे नाल बोलन ना बोलन, पर कोई किसी की किसी लई वध वा जां कोई किसी की माड़ा नहीं सोचदा भी आर्टिस्ट चला जाए। सो मैनूं लगदा सारिआं नूं बहुत दुख आ, उहदे माँ बाप नूं बहुत दुख आ, जे उन्ना ही हर बंदे नूं दुख आ, पर असीं कदी वी नहीं कोई भी नहीं चाहूगा कि कोई भी माँ का पुत दुनिया तो जाए, सो मारे बस मारे अगर अरदास आ कि भला ही होवे उहदे माँ बाप का भी, मालक उन्हां नूं होर हिम्मत देने इहो कह सकदे। सो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, फिल्म दे लई बहुत बहुत दुआवां ने, एंड एक हासी खेडियां दे नाल तुसी एक बहुत संजीदगी दे नाल कुछ विषय नूं चुणिया इस फिल्म दे लई, एंड जिस तरीके दी केमिस्ट्री असीं वेख रहे हां वह भी बहुत एंटरटेन सारे हो रहे ने। मैं सिद्धू दा किस्सा तुहानूं दस्सदा, मैं असीं कदी मिले नहीं सी ते आम लोगों वांगू मैनू भी एक आर्ट एक दिमाग के आर्टिस्टा ने कई बार इदा एक आर्टिस्ट जिदा बहुत सारे लोग ये सोचते कि अमरीश पुरी शायद इन्ना ही खतरनाक सीगा, तो मैंने याद है जो इतने अवार्ड शो हुए जो CM चन्नी हुणा दे होंदे आ, तो सिद्धू उत्थे सोफे पर बैठा सी बड़ा इदा करके आए, वो इलैक्शन से उन्होंने दिनों तो मैं क्या मैं इदा के हाथ हाथ रखे बई सत श्रीकाल वे बई कि मैं कहना, तो मैं मेरी परफॉर्मेंस ही मैं गाउन चला गया, मैं उन्होंने उत्ते बुला लिया, मैं क्या तू भी आ जा नाल, मैं गीत गा रहा सी सारे नच रहे सी उन्होंने, उस बाद उन्हें बंटी बाई ने स्पैशल फोन किया कि बई मैनू बड़ा वधिया लग्या, मैं लगता सी बाबा बई इदा, मैं क्या यार नहीं इदा नहीं,
ਦੇਖੋ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ 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 ਮਿਲਣ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਵੀ ਨਰਵਸ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਗਿੱਦੜਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦੌਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਗਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।